अस्सलाम वालेकुम, आपके शहरों के बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं मरीम जफर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों के गिरद गहरा तंग। ग्रेड 17 के 4 अफसरों को नौकरी से फारिग कर दिया गया। 4,40,000 रुपये रिकवर। फारिग किए गए अफसरों में नुमान जैन, शैफ शफीउल्ला, सैयद फजल अमीन और सबीर खान शामिल। नवंबर दिसंबर ही लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। This is a study. महंगाई के मारे अवाम की बेबसी का हुकूमती वुज़रा मजाक उड़ाने लगे। शेख रशीद की आटा बहरान पर अनोखी मंतव। बोले, लोग नवंबर और दिसंबर में रोटी ज़्यादा खाते हैं इसलिए आटा महंगा हुआ। महंगाई तो है पर अवाम के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जहांगीर तरीन रूटों को मनाने के मिशन पर हुकूमती अरकान की कराची में एमक्यूएम वफद से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने खालिद मकबूल को काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। मुल्क की खिदमत हमेशा की है और करेंगे, उसके लिए किसी वजारत की जरूरत नहीं। खालिद मकबूल का जवाब, एमक्यूएम के दफातर खोलने का मुतालबा भी रख दिया। कलीम इमाम ही फिलहाल आईजी सिंध रहेंगे। विफाक ने सूबाई हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं, जब तक फैसला नहीं हो जाता कलीम इमाम जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिंध हुकूमत कलीम इमाम के डी नोटिफाई होने तक कायम मकाम आईजी नहीं लगा सकती। सिंध के दो वज़रा इम्तियाज़ शेख और सईद गनी पर जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। हलीम आदल शेख ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, मिस्टर क्लीन वज़रा के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो दाढ़ी मूंछ वालों के खिलाफ तो जाने क्या क्या आ सकता है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर रोज़ाना चार्जशीट पेश करेंगे। मेरा दामन साफ है, जहां मर्जी से तहकीकात करा लें। वजीर इत्तला'आत सिंध सईद गनी का जवाब, कहते हैं वो और इम्तियाज शेख मिलकर लड़ेंगे। आईजी की तब्दीली के हवाले से सईद गनी बोले, कलीम इमाम को खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए। तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम की जबर की शादी है, ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। नवाज शरीफ घर से अस्पताल जा सकते हैं तो होटल भी जा सकते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला की लीगी कायद की वायरल तस्वीर पर वजाहत। कहा, 2020 में ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे, अवाम को हुकूमत से छुटकारा मिलेगा। राना सनाउल्ला का शहरयार अफरीदी और DGANF को अदालत तलब करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मुआवने खसूसी फिरदौसा शिकवान का फौरी जवाब। कहा, मियाँ साहब अगर हस्पताल से होटल जा सकते हैं, उनका मतलब है कि वो तंदुरुस्त हैं, तो वो रेस्टोरेंट से सीधा जेल भी जा सकते हैं। राना सनाउल्ला एक बार फिर क़यादत के बाहर भाग जाने पर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। कराची में दो तैयारे टकराने से बाल बाल बच गए। तैयारे आमने सामने आने पर पायलट्स ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए हादसे से बचाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मुअत्तल। मकबूजा कश्मीर में हालात दुनिया को दिखाने पर अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मालिक को ब्लैकमेल करना भारत की रुसवाई का सबब बन गया। मोदी सरकार की अखबार मालिक जेफ बेजोस को धमकियाँ। मकबूजा कश्मीर पर रिपोर्टिंग रोकने का मुतालबा। एडिटर एली लोपेस ने कहा, अखबार मालिक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करते। और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया अलर्ट जारी। 20 जनवरी से 24 तक मजीद बर्फबारी होगी। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बर्फानी तौदों की जद में आकर जाँ बहक अफराद की तादाद 79 हो गई।